वेलकम है दोस्तों तुहाड़ा साडे चैनल माला मणके उत्ते। किताब तर्क वेद, लेखक नरिंदर सिंह कपूर। लेख प्यार अते विआह। जे यह मान लिया जाए कि किसी नाल प्यार आप मुहारे हो जाता है तो यह भी मनना पवेगा कि यह टुट भी आप मुहारे जाता है। समाजिक अते आर्थिक तब्दीलियां कारण प्यार अते विआह का संकल्प भी बदल गया है। सारियां प्रसिद्ध प्रेम कहानियां असफल प्यार दियां कहानियां हन। जे हीर दा रांझे नाल जां सस्सी दा पुन्नू नाल जां सोनी दा महीवाल नाल विआह हो जांदा जां उह प्यार विच सफल हो जांदे तां अज कोई भी उहनां दे नां तों वाकफ ना हुंदा। असफलता जां दुखांत प्यार दी अंतली होणी हुंदा है। प्यार विच सफल होणा किसे भी पक्ष तों सुखदाई अनुभव नहीं। प्यार नूं सदीवी बनाउण लई प्रेमी विआह लई तांगदे हन, पर विआह दी दहलीज टपदिआं ही उन्हां दोहां दा यथार्थ नाल सामना हुंदा है अते उन्हां दा क्यासिया होया सुपन देश रेत छल बन के रह जांदा है। प्रेमी अजनबी हुंदे हन अते अजनबी सदा दिल लुभाउणे हुंदे हन, पर इह अजनबी जदों पति पत्नी बन जांदे हन तां उन्हां दी समाज विरुद्ध ऐलानी बगावत मुक जांदी है। अर्थात समाज उन्हां नूं अपने बंधनां विच जकड़ लैंदा है। इवें विआह रोमांटिक प्यार दा अंत साबित हुंदा है। प्यार एक लोकतंत्रक अनुभव है जिस विच अक्सर सरदारी औरत दी हुंदी है, पर विआह तानाशाही वरतारा है जिस विच मर्जी समाज दी अते सरदारी पुरश दी हुंदी है। इवें प्यार अते विआह दो वक्रे संसार हन अते एक दूजे दे बिल्कुल उल्ट भी हन। इस लई हैरानी दी गल नहीं कि प्रेम विआह बड़ी छेती अकेवें अते थकावट दा शिकार हो जांदे हन। इवें पति पत्नी दोहां नूं आपणे प्यार उत्ते माण होण दी थां पछतावा अते शर्म आउण लग पैंदी है। चोरी छिपे कीता जाण वाला प्यार पैंदियां वी पता नहीं लगदा अते टुटदियां वी पता नहीं लगदा। जिस प्यार दी बुनियाद विच झूठ होवे उह प्यार बहुता चिर नहीं चल सकदा। नेड़े दी रिश्तेदारी विच काहल नाल कीता विआह व्याहे पुरश अते कुवारी कुड़ी दा प्यार जां व्याही औरत जां अणव्याहे मर्द दा प्यार जां व्याहे पुरश अते किसे होर व्याही औरत दा प्यार लम्मी उम्र वाले सुखावें अनुभव नहीं हो सकते। विआह उपरंत औरत दा विहार चंचलता अते नखरे दी थां विहारक हो जांदा है, जदके पुरश नूं उस दी चंचलता नाल प्यार हुंदा है। यह एक कारण है कि सोहनिया पत्नियां दे पति भी कई वारी कोझियां पर चंचल औरतां मगर लग पैंदे हन। प्यार दे मुक जाण दा एक कारण यह भी हुंदा है कि पति नूं पत्नी नाल प्यार दौरान उस दी शख्सियत दे किसे एक पक्ष जिवें गल्लां दे डूंघ जां चेहरे दी रौनक जां बोलण दे सलीके जां गाउण दी योग्यता नाल प्यार हुंदा है, पर विआह समुची शख्सियत नाल करना पैंदा है अते नतीजा यह हुंदा है कि दोवें धिरां जल्दी थक जांदियां हन। इस दिखावट विचों अकेवां जन्मदा है जिस कारण बड़े खिड़े हुए चेहरे भी थोड़े जिहे समय विच ही चपटे अते सधारण लगन लग पैंदे हन। मनोविज्ञानक तौर ते सौख्यां प्राप्त होण वाली चीज़ प्रति असी जल्दी ही बेमुख हो जांदे हन। प्यार समय पुरश अते औरत दोवां ने अपना आदर्शक रूप उसारिया हुंदा है जिस दे रंग विआह दे पहले ही निचोड़ नाल खुर जांदे हन। सारियां प्यार कहानियां विच एक गल सांझी है कि वह सारे प्रेमी पहली वारी प्यार दे अनुभव खेतर विच दाखल होए सन। यह उन्हां दा पहला प्यार सी, इसे करके उन्हां दे प्यार विच अंतां दी शिद्दत रही है, पर अजकल जिहड़े प्यार पैंदे हन उन्हां विच आम करके एक धिर नूं पहला प्यार दा अनुभव हो चुका हुंदा है अते इह अनुभव असफल भी होया हुंदा है। प्यार करना इस असफल धिर दी मजबूरी अते लोड़ हुंदी है। इस तजर्बेकार पर असफल धिर लई दूजा प्यार अपनी पहली असफलता उपरंत मुड़ स्थापती दा हमला हुंदा है। सो इस प्यार दी बुनियाद विच ही स्वार्थ है, पर दूजी धिर अशोह अते भोली होण करके वधेरे कुरबानियां करदी रहिंदी है। स्थिति विधवा दे कुवारे पुरश नाल जां दहाजू दे कुवारी कुड़ी नाल विआह वाली हुंदी है। असामापन अते असंतुलन प्यार दे अनुभव नूं सच्चा अते सुच्चा नहीं रहण दिंदे। इह रिश्ता जोड़ी वाला नहीं नरड़ां वाला हुंदा है। उस स्थिति दा अनुमान लाओ जदों दोवें धिरां तजर्बेकार होण। अजिही स्थिति विच प्यार दीआं गल्लां घट हुंदीआं हन अते सारा जोर संभोग उत्ते हुंदा है। इस रिश्ते नूं प्यार दा नां देणा योग नहीं, क्योंकि इस रिश्ते विच किसे धिर नूं शरमाउण दी सहूलत नहीं हुंदी। सो गल सिद्धी अते स्पष्ट कीती जांदी है। प्यार कब्जा नहीं पहचान है, यह बड़ा भरम भुलेखे वाला संकल्प है। इस संकल्प का प्रचारक असल विच विआह उपरंत प्यार नूं जायज़ ठहराउण दा यतन कर रहा है अते अपनी पत्नी तो इलावा
दूजियां औरतां नाल प्रेम संबंध उसारन की प्रवानगी मंग रहा है। वह मन चाहिया प्रेम भी करना चाहता है पर अपनी पत्नी प्रति वफादार होने का भरम भी रचना चाहता है। यह भी कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने प्रसंग अनुसार ही अपने प्यार फलसफे उसारता है। दवला प्यार एक बड़ा उसारू अनुभव हुंदा है। वह स्थितियां बड़ियां घट हुंदियां हन जिथे दोवें धिर एक दूजे नूं प्यार करदियां होण। आम करके हुंदा यह है कि एक धिर प्यार करती है अते दूजी धिर उस प्यार नूं स्वीकार करन दा कारज निभाउंदी है, पर प्यार करन विच बहुती तत्पर नहीं हुंदी। सोहणियां इस्त्रियां की गिणती घट होण कारण हर पुरश उहनां नूं प्यार करन लई तैयार रहिंदा है। अजिही स्थिति विच चोण इस्त्री दे हाथ दी हुंदी है। वह आप घट ही प्यार करती है, वह पुरश नूं प्यार करन दी आग्या दिंदी है, अर्थात देवी अपने पुजारी नूं चुणदी है। प्रवानगी प्राप्त करते रहने लई पुरश नूं बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। फैसला इस गल ते हुंदा है कि पुरश इस्त्री दी भावक अते मानसिक तसली किन्नी क करवा सकता है। भावें यह हैरानी भरी गल जापे पर यह एक सच्चाई है कि प्यार दौरान इस्त्री संभोग की इच्छक नहीं हुंदी। संभोग की सहमति जां मंजूरी वह पुरश की मंग उपरंत ही दिंदी है। जदों व्याह तो पहला प्यार विच संभोग की किरिया शुरू हो जाए तो प्यार फिका पैन लग जाता है। जे इस्त्री का दूजा प्यार होवे तां उह संभोग लई इस लई रजामंद हो जाती है क्योंकि पुरश वल्लों प्रवान कीते जाण दा इह एक सौखा ते पक्का राह हुंदा है। कारण कोई भी होवे, संभोग दा रिश्ता उसारन उपरंत प्यार बहुता चिर जीवित नहीं रह सकता। प्रेमियां दा एक दूजे सामने निर्वस्त्र हो जाना उहनां दे आदर्श रूप नूं सधारणता विच बदल दिंदा है अते दोहां नूं सोने विचों पित्तल दिसण लग पैंदा है। जदों बुझारत बुझ ली जाए तो उसकी रोचकता मुक जाती है। किसी व्यक्ति जां वस्तु का अपहुँच होना उस लंबी जदोजहद का आधार हुंदा है। प्यार विच आनंद का आधार मन इशत व्यक्ति की प्राप्ति नहीं, उस लई तांग है। प्राप्ति नाल ही तांग मुक जाती है अते इस दे नाल ही प्यार नूं सियोंक लग जाती है। प्रेमी लई उडीकवान अते ब्रिही होना बड़ा जरूरी हुंदा है। अपना चाहिया प्राप्त करके प्रेमी भोगी बन जाता है। प्रेमी उदों तक ही एक दूजे नूं प्रभावित करते हैं जदों तक उन्हां दा नवीनीकरण हुंदा रहे। दोहां व्यक्तियां विचों जिस विच भी खड़ोत आ जाए उस दे खारज होण दी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लिखारी, कवि, कलाकार आदि अपने निरंतर विकास सदका प्यार दे खेतर विच वधेरे सफल हुंदे हन। प्रेमियां नूं नवें बने रहण लई बहुत मेहनत करनी पैंदी है, नहीं तां उह बहे हो के एक दूजे तों अक जांदे हन। प्यार कर ही हो सकते हैं जिन्हां विच अंतां दी मेहनत करन दी आदत होवे, पर दुर्भागवश प्यार वह करते हैं जिहड़े मेहनत दे वैरी हन अते अपनी इस अयोगता नूं वह जमाने उत्ते दोष ला के छपाउंदे हन। कवि अते कलाकार प्यार दे इवजाने विच वडमुल्लियां रचनावां दिंदे हन पर वेलड अते सुस्त विभचार ही फैलाउंदे हन अते निराशाजनक उदाहरणां उसारदे हन। जे दोवें धिरां दा नवीनीकरण हुंदा रहे तां बेवफाई संभव ही नहीं हुंदी। नवीनीकरण दीयां संभावनावां हंडा चुकी धिर सहजे सहजे खारज हो जाती है अते अपने आप नूं कोसण दी बजाए दूजी धिर नूं बेवफा कह के नफरत करन लग पैंदी है। नफरत असल विच ना खत्म होण वाला गुस्सा हुंदा है अते इह प्यार दा पुठा पासा है। जुर्मां, अपराधां, डाकियां, कतलां आदि दा कारण उपरोतक नफरत ही हुंदी है। प्यार मंदर उसारदा है, नफरत मंदर ढाउंदी है, गुस्सा मूर्तियां चोरी करदा है। कई इस भुलेखे का शिकार हैं कि प्यार नाल सारे झगड़े मिटाए जा सकते हैं, पर वह भुल जाते हैं कि सारे झगड़े पैदा ही प्यार की असफलता विचों होंदे हैं। प्यार नूं जीवित रखने लई अंतां दी मेहनत की लोड़ हुंदी है। हर प्रेमी इकल्या ही 10 आदमियों का काम करन दीयां डींगा मारदा है, पर समर्था एक आदमी के काम का 10वां हिस्सा करन दी भी नहीं हुंदी। प्रकृति विच साडी दिलचस्पी का आधार यह हुंदा है कि चन्न, तारे, सूरज, समुंदर सब निरंतर कार्ज विच रुझे हुए हैं। जे किसी कारण प्रकृति विच खड़ोत आ जाए तो लोग रब नूं गालां कढ़न लग पैंदे हैं। स्पष्ट है कि प्यार करना सौखा नहीं, यह अंगारां उत्ते नंगे पैर नाल नचण दी किरिया है। जिहड़े मेहनत करते हैं उन्हां लई महबूब दीयां अखां सुपनियां दे सरोवर हुंदियां हन, पर कामचोरां लई इह खुद खुशी दे खूह बन जाते हैं। प्यार विच असफलता लई असल विच सुस्त, कामचोर अते असफल धिर ही जिम्मेवार हुंदी है।
जिहड़े हंजुआ नाल औड़ां नूं बहारां विच बदलण दा यतन करदे हन उहनां दीआं रीझां दे बाग झुलसे जांदे हन। प्यार उही कर सकदे हन जिहड़े तली ते सिर टका सकण, इकल्ले ही पहाड़ां दे सीने विच नहर पुट सकण, अपना पट चीर सकण, कच्चे घड़े उत्ते दरिया विच ठिल सकण, मेहनत नाल दाखले लै सकण, औखे विशे अते कोर्स पढ़ सकण अते नवें मील पत्थर स्थापित कर सकण। अजोके युग विच प्यार दिता नहीं जांदा, लिया नहीं जांदा, ये तां खोया जांदा है, जिस कारण प्यार एक दूजे की झूठी प्रशंसा विचों शुरू हो के एक दूजे उत्ते तोहमतां लाउण तक निगर जांदा है। जिहड़े महबूब नाल प्यार की लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते वह जल्दी तो जल्दी विआह करन लई तांगदे हन, पर विआह हुंदिआं ही उहनां दे प्यार की हालत उवें ही हो जाती है जिवें भांडे तों कली उतर गई होवे। तो दोस्तों, इस दे नाले सारा लेख खत्म हुंदा है, फिर मिलांगे किसी दूजे लेख दे नाल।